देखो वापस आई ट्रेन। चलो 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 चलो, सबसे छोटा डब्बा आगे है, आगे से लेफ्ट, आगे से लेफ्ट, चलो 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 सब अंदर। तो गुड न्यूज़ ये है कि हुकुम भाई की बाइक एक ही धक्के में स्टार्ट हो गई। उसकी बैटरी इतना पावर जनरेट कर रही थी कि फ्यूल पंप चल रहा था। अगर ऐसा नहीं होता तो आधा घंटा और ख़राब होता। डोमिनार की बैटरी निकाल के उसमें लगानी पड़ती और बाइक पूरी तरह से रेडी है, लगेज कंप्लीट है, बस हेलमेट पहनना है, राइडिंग जैकेट पहनना है और निकल जाना है यहाँ से पोखरा की तरफ। आज डेफिनेटली पोखरा नहीं पहुँचेंगे क्योंकि रास्ते में जितने भी पॉइंट हम लोग कल छोड़ कर आए हैं वो सारे आज कवर करते हुए जाएंगे। मैं भी 3-4 बढ़िया पॉइंट हैं, एक लेक है, एक गर्म पानी का कुंड है और भी 2-4 चीज़ें हैं, जाते जाएंगे। वीडियो में आप लोगों को पता चलता जाएगा आज कितना कवर करते हैं, कल कितना कवर करते हैं। मैं भी कल दोपहर तक या कल शाम तक हम लोग पोखरा पहुंच जाएंगे। आगे देखते हैं वाहेगुरु जी ने क्या सोचा है, क्या होता है। चलिए बाइक स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं बाइक पर। मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे भाई। भाई हमारा होटल वाला था और बहुत ही बढ़िया भाई था। ये स्टिकर वॉल है इनकी जिस पर हमने स्टिकर लगा दिया है अपना। चलिए बोले सो निहाल सत श्री अकाल। भोलेनाथ का जो हमारा टारगेट था वो बाबा भोलेनाथ की कृपा से, वाहेगुरु जी की कृपा से पूरा हो चुका है। ये है यहाँ का बस स्टैंड, यहाँ तक बस फैसिलिटी है अगर कोई बाय बस आना चाहता है तो। दोस्तों अभी हवा इतनी तेज चल रही है कि अच्छी खासी बाइक की स्पीड को रोक दिया उसने। नाव दोस्तों बस कुछ ही किलोमीटर पहले, मुक्तिनाथ के कुछ ही किलोमीटर पहले आता है सेल्फी पॉइंट। तो ऐसा कुछ विशेष तो दिख नहीं रहा है। एंट्री फी 20 रुपीस। दोस्तों बाहर से जब हमने देखा अंदर से कुछ विशेष तो दिख नहीं रहा था। चलो कुछ नहीं है तो निकल रहे हैं यहाँ से आगे। यहाँ लिखा है हार्टली वेलकम मुक्तिनाथ, धन्यवाद, थैंक यू फॉर विजिट। ओके ओके दोबारा आएंगे। आने के मुकाबले दोस्तों जाने में हवा इतनी चल रही है और धूल इतनी उड़ रही है कि थोड़ा सा बाइक को कंट्रोल करना मुश्किल पड़ रहा है। ऊपर से ये कच्चा रास्ता, वो हैंडल को बिल्कुल राइट लेफ्ट जतर कतर मोड़े जा रहा है। ये देखिए क्योंकि हम लोग खुले में है ना, ये चौड़ा नदी का पार्ट है, मतलब नदी तो बहुत कम पानी है, नदी में तो सूखी नदी है और बहुत चौड़ा पार्ट है इसका, जिस कारण से क्या हो रहा है कि हवा चल रही है सीधी। ये देखिए शायद हवा का थोड़ा बहुत आवाज़ कैप्चर हो रही हो। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं जोंगसोंग में, जोंगसोंग गाँव, और हम लोग जा रहे हैं दुम्बा लेक। किसी तो पूछना पड़ेगा उसका रास्ता हमें, ये अंकल आ रहे हैं इनसे पूछते हैं। अंकल दुम्बा लेक का रास्ता किधर है? कहाँ चलेगा? दुम्बा लेक जाना है इधर से। अरे शोर इधर से, शायद हम लोग गलत आ गए हैं इसलिए अभी शॉर्टकट से जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो ये गांव भी तो देखने मिला अंदर से, मैं कौन से जन्म में यहाँ आने का प्लान था अपना। इतना लगेज और पिलियन के साथ डोमिनार में। एक चीज़ है दोस्तों, मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, मैं क्लियर बोलता हूँ, 1-2 इंच हाइट मुझे कम पड़ती है इसमें। हाँ ओके, तो यहाँ से आया रास्ता, ये रास्ता सीधा आ रहा था मस्तान की तरफ से, हम लोगों ने इसे मिस कर दिया था और हम जंक्शन की तरफ मुड़ गए। देखो 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 देखो, धूल का तूफान, बाइकर परेशान, रास्ता तो है ही नहीं दोस्तों, और ऊपर से ट्रक आ गया है। ओके व्हाट वी डू। ओके
साहब ये ट्रक फोर व्हील है तभी चढ़ रहे हैं। जिस तरह के ट्रक हमारे पास आर्मी वाले के पास होते हैं वैसे ट्रक यहाँ पर यूज़ करना पड़ते हैं लोगों, नहीं तो यहाँ से तो चढ़ना ही इम्पॉसिबल है। वाह तो आना दोस्तों, मेहनत सफल, वाकई में बेहद शानदार नज़ारा है। चलिए बाइक पार्क करते हैं साइड में और फिर नज़ारा ठीक से लेते हैं। तो ये है दोस्तों द फेमस दुम्बा लेक। बहुत भयंकर हवा चल रही है इसलिए मुझे लगता है मेरे व्लॉगिंग वाले कैमरे में आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो मैं अपना जो हेलमेट वाला कैमरा है इसे भी ऑन किए हुए हूँ, उसमें नहीं इसमें किसी में आपको अच्छा लुक मिल जाएगा देखने के लिए, अच्छी आवाज़ सुनने के लिए मिल जाएगी। हाँ वो वहाँ से जाके और पूरा उस तरफ से चलते चलते जाने का और नज़ारा लेने का बना रखा है उन्होंने, एक पाथ बनाया हुआ है और मेरे ख्याल है वो पूरा घूम कर रास्ता और यहाँ से रिटर्न आता है, मतलब पूरा एक चक्कर आप दुम्बा लेक का लगा सकते हैं। पर नज़ारा जो है वो तो दोस्तों यहाँ सामने से ही आ रहा है। चलिए दोस्तों थोड़ी देर में मिलते हैं। पर अपने कुछ भाई मिले हैं, आप व्लॉगिंग करते हैं? छोटा सा व्लॉग है। अच्छा अच्छा ओके थैंक यू। क्या नाम है भाई? सौरभ छत्री। सौरभ भाई विलियम जोस। ओके ओके भाई विमल। ओके विमल भाई आप किधर जाएंगे? अभी तो थमसंग तक जाएंगे, देखते हैं पानी अगर ज्यादा बढ़ता। हाँ मुक्तिनाथ से आ रहे हैं हम लोग। हाँ वापस नहीं, मस्तांग नहीं, वापस हम लोग पोखरा जा रहे हैं। ओके ओके भाई नाइस टू मीट यू बाय। नाउ वी आर रवाना फ्रॉम हियर। यहाँ पर बिन मौसम पानी आता है दोस्तों, कभी भी अचानक बड़ी बारिश आ जाती है। और अभी जो 3 किलोमीटर का रास्ता हम लोग थमसंग के बाद करके आए हैं तय, ये रास्ता बेहद थ्रिल से भरा हुआ है और अगर बारिश आ गई तो बाइक का ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों बारिश देख सकते हो आप किस लेवल पे है ऊपर। अभी लकीली यहाँ पर पानी उतना नहीं है, बस कुछ छींटे आ रहे हैं। हम लोग बाइक को ऊपर चढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर बारिश आ गई और ये रास्ता गीला हो गया तो बाइक चढ़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वाटर क्रॉसिंग। ओह शिट, कोई बात नहीं, मेरा हाथ छूट गया था फिर संभल लिया। यहाँ पर केव है, गुफा है किसी चीज़ की, वो वहाँ ऊपर, पर अभी हम लोग नहीं जा सकते, इसे नेक्स्ट टाइम के लिए बुक रखना पड़ेगा। चलिए फिलहाल तो भागते हैं फटाफट इससे पहले कि बारिश हमें अपनी चपेट में ले ले। पानी आ गया, पानी आ गया। देखने से प्रतीत हो रहा है दोस्तों कि पूरा जो थमसम सिटी है वो नदी में ही समाया हुआ है, मतलब ये खेती वेती सब, मतलब इस नदी में पानी लंबे समय पहले आया करता होगा। पूरा पूरा जो टाउन है वो उस नदी वाले इलाके में ही है और यहीं पर हवाई पट्टी भी है वहाँ पर। तो जिन गलियों से होते हुए हम लोग गए थे उन्हीं गलियों से हम लोग वापस आ गए हैं, क्योंकि अगर सीधे रास्ते से आते तो हमें बहुत लंबा आना पड़ता। फिलहाल तो यहाँ बारिश नहीं है, यहाँ पर बारिश नहीं है फिलहाल। चलिए दोस्तों कहीं चाय नाश्ता कुछ करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, फिर बात करते हैं। दोस्तों ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया है और ये तो ऑलरेडी कवर करके निकला था मैं वहाँ से। तो दोस्तों हमारे भाई अनिरुद्ध ने एक और समझदारी की, अपना रेनकोट इस बैग के अंदर रखा जिसे पूरी तरह से मैंने पैक किया था कि अब तो ये पोखरा ही खुलेगा। वेरी गुड, जा धक्का लगा मत उतार, नीचे स्टार्ट कर। ओके तो ये धक्का ब्रेक गाड़ी स्टार्ट हो गई है और हम लोग भी निकलने के लिए तैयार हैं। ओ तेरे की नज़ारा तो देखो दोस्तों, सामने बारिश का। तो दोस्तों यहाँ है बजाज का सर्विस सेंटर, चलिए तो इसका शॉकअप थोड़ा सा एडजस्ट करवा रहा हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि हम लोग वजन ज़्यादा हो गया और चल चल के वो थोड़ा सा लूज़ हो गया है। तो उसमें 5 पॉइंट आते हैं जिसमें से 3 पर चढ़ा था, 2 अभी बाकी थे, तो 1 पॉइंट और चढ़वा रहे हैं। चल है ना ये रहा, चलिए थैंक यू। तो
अब तो एक और ब्रेक लेके फाइनली लगेज खोलना पड़ा पूरा और उसका रिकॉर्ड निकालना पड़ा क्योंकि सामने बड़ा पानी दिख रहा है। जहाँ तक हमें लगेगा कि चल सकते हैं हम चलते रहेंगे, जब हमें लगा कि नहीं रुकना चाहिए हम रुक जाएंगे। एडवेंचर तो एक्सट्रीम एडवेंचर के लिए हम जा रहे हैं। सोचा था वापसी का रास्ता बोरिंग होगा, सब कुछ आप देख चुके होंगे, क्या दिखाऊंगा दोबारा। तो भगवान बोला आ जा बेटा तेरी व्यवस्था करता हूँ मैं, तेरे वीडियो को अच्छा बनाता हूँ मैं और तेरी जर्नी को यादगार बनाता हूँ। तो मारवा विलेज क्रॉस कर दिया है दोस्तों हमने। इतना बर्फ नहीं थी, नजारा देख के लग रहा है दोस्तों कि अच्छी खासी बारिश हुई है। और जो बहुत लोग चलाते हैं यहाँ पर यार, एक बात है दोस्तों, नेपाल में फ्यूल चाहे जितना महंगा हो लोग इसकी परवाह नहीं करते, ये बात तो पक्की है। वो सिर्फ देखते हैं कि क्या हमारे लिए बेहतर है। नहीं तो मारुति वैन अभी तक एक भी नहीं दिखी मुझे। हाँ मारुति 800 बहुत चलाते हैं यहाँ पर यार, 800 बहुत चलाता है। ओ मेरे बुलेरो वाले भाई, अरे हाँ तूने लाइट दे दी यार, चल तू निकल जा। इनके कारण शायद हमारा गोप्रो बार बार बंद हो रहा है अपने आप। थोड़ा सा रिकॉर्ड करता है और मना कर देता है, थोड़ा सा रिकॉर्ड करता है और मना कर देता है। अच्छा तो अपने दिल्ली के कुछ भाई मिले हैं तो अच्छा, तो बाइक अपनी इंडिया की है ना, कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो चलिए बढ़िया। जॉनसन तक तो बढ़िया, आखिरी 10 किलोमीटर रास्ता ख़राब मिलेगा बस, बाकी पूरा अच्छा है। आगे जो अभी से और उसके जो बीच में चौकी के बीच में बिल्कुल खराब है। नहीं हम लोग तो आए ना कल इधर से आए। अच्छा ये बारिश वारिश है इधर नहीं है ज्यादा? अभी नहीं है, अभी नहीं है, आप जाइए। बारिश नहीं है ना निकल जाएंगे हम। सुखी होती है दिल्ली के दो भाई और मिलेंगे। क्या नाम भाई आपका? अभिषेक। अभिषेक भाई एंड यू? विनीत। विनीत भाई चलो जी, बढ़िया लगा बिल्कुल। बाइकर जस्सी सर, बाइकर जस्सी सर करिएगा चेक। और डोमिनार से पहले मैं भी एवेंजर चलाता था, पूरा हिमाचल मैंने एवेंजर पे करा है तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा रुका। बिल्कुल बिल्कुल ओके भाई, चलो सर नाइस टू मीट यू, राइट सर। तो दोस्तों इस शानदार जगह पर रुके थे हम लोग नज़ारे लेने, आगे बारिश बिल्कुल नहीं है। अपने दिल्ली के कुछ राइडर भाई मिले थे, दो टीम मिली थी, एक टीम थी जिसमें दो भाई थे और एक टीम में मेरे ख्याल है छः या सात लोग थे। बहुत बढ़िया लोग थे, दुआ सलाम हुई और हमारा गोप्रो उस समय नाटक कर रहा था, 10 सेकंड बाद बंद। तो अभी यहाँ पर रुके थे हम लोग, वापस माइक लगा लिया है, अपना ऑडियो चेक लगा लिया है तो आप फिर से बातें हो सकेंगी। आई डोंट नो इससे पहले जो क्लिप्स थी उनमें कैसी वॉइस गई होगी, अच्छी होगी तो आपने वॉइस सुनी होगी, नहीं तो मैंने वॉइस ओवर किया होगा, जो भी हुआ होगा जादू। तो चलिए दोस्तों गोप्रो सेट हो चुका है, हम लोग फ्रेश हो चुके हैं, फ्रेश मतलब फ्रेश माइंड हो चुके हैं क्योंकि अब मौसम साफ है। तो चलते हैं एक आध पॉइंट और कवर कर ले, तातो पानी वगैरह आ जाए तो वो देख लें कम से कम, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, कहाँ ले जाती है हमारी आज की किस्मत हमें। पूरा का पूरा रास्ता बिगड़ा पड़ा है और ये हम सफलतापूर्वक नीचे की ओर जाते हुए, बस वाला अगर हमें जाने दे तो रुक जाए भाई, जीने दे, निकल गए हम। बस वाला चलान डबरा था यार, जीने नहीं देना चाहता क्या पीछे का तक? हाँ आपने देखा दोस्तों कैमरा ऑन था, बस वाला रुका ही नहीं, रास्ता नहीं है, मैं रुक गया, मैं चलो ठीक है निकल जाएगा, दवाई थी पूरी उसने। भैया किसी ने बोला था मुझे कि वहाँ पे जाओ तो भैया भरोसा मत करना बड़ी गाड़ी वालों पे, वो अपनी समस्याओं से जूझते रहते हैं बेचारे, रिवर्स आने का खतरा, स्लिप होने का खतरा, तो आप अपनी जगह बना के निकलना, इसलिए तो मैंने बढ़ा ली फटाफट से इससे पहले कि कुछ और काम पड़ता। अच्छा हुआ कैमरा ऑन था। हाँ हरे हरे खेत देख के दोस्तों बहुत पॉजिटिविटी आती है यार, कितना अच्छा लग रहा है। क्यों कर रहे हम तो अभी आए, हम तो अभी आए। अरे बाप रे, बाय बाय कर दिया आते से बच्चों ने कि जाओ। हेलो हम आ जाए, आओ बोलो, पहले बोलना आओ वेलकम, बाद में बोलना जाओ। चलिए क्या नाम है इसका?
आपका नाम क्या है? ये मुझे दो की टॉफी खा रहे हो आप यार? नहीं रख लिया उसने यार। तो वापस चेक पोस्ट वाले इलाके में आ गए हैं दोस्तों। वो वहाँ चेक पोस्ट है और वहाँ पे हमने आमलेट और चाय पी थी जाने में। अभी यहाँ पर ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे दिख गए तो इनको देख के हम लोग यहीं रुक गए। देखो कितने क्यूट है लोग। ये है, ये बड़ा है और वो फोटो खिंचा रहे। देखो अरे ये छोटी बच्ची को तो ना आगे हो रहे गए पीछे उसके ये आ गए। चलो चलो आ गए तो इनको देख के हम लोग यहीं रुक गए। अब मैगी ऑर्डर करिए, मैगी खाएंगे, चाय पियेंगे और फिर यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। आगे उसको आगे वाला डब्बे में लगना था, देख उसने उसको खींच लिया। इनकी रेलगाड़ी चल रही है और हर किसी को आगे वाला डब्बा बनना है। हो गया, देखो देखो वापस आई ट्रेन। चलो 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 सबसे छोटा डब्बा आगे, आगे से लेफ्ट, आगे से लेफ्ट। चलो 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 सब अंदर। 8:01 PM बाइक सो चुकी है पार्क, लगेज हो चुका है अनलोड। ये रहे हुकुम भाई और ये रहा मैं। तो अभी आधे किलोमीटर पहले हम लोगों ने दोस्तों मैगी खाई थी, चाय पी। वहाँ पर एक भाई मिला, उसने बोला भाइयों तुम अभी मत जाओ, तुम लोग बाइक से हो, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो अब इस पर ट्रैफिक नहीं होता है, कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा। फिर हम लोगों ने सोचा कि हुकुम भाई की बाइक धक्का परेड है, अगर किसी कारण से बंद हो गई तो इस कच्चे रास्ते में, इस कीचड़ से भरे रास्ते में उसको धक्का लगाना भी मुश्किल पड़ेगा। और सबसे बड़ा नुकसान कि जो भी रास्ते के पॉइंट हैं वो सारे छूट जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने अभी यहाँ पर ओल्ड मस्तांग गेस्ट हाउस, जो कि वहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर आगे था, वहाँ रुक गए हैं। हम लोग रूम ले लिया है, लो अपना लगेज है वो बाइक से निकल चुका है, रूम में जाने वाला है। हम लोग भी रूम में जाने वाले हैं, सोने वाले हैं, ज़्यादा कुछ बिखेरा करेंगे नहीं, सुबह उठ के जल्दी निकलेंगे। रास्ते के जो एक दो पॉइंट हैं वो सब कवर करेंगे और पोखरा पहुँचेंगे मैं भी कल दोपहर तक शायद। जो भी होगा वो अगले वीडियो में आप लोगों को पता लगेगा। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ मैं। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो, आज के नज़ारे अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नए भाई जो इस वीडियो के माध्यम से पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट करिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। गुड नाइट, गुड बाय, सत श्री अकाल, नमस्कार, रब रखा।